गुरु गीता का यह सूत्र कहता है, पादाब्जम सर्व संसार दावानल विनाशकम ब्रह्मरंध्रे सितांभोजम अध्यस्थम चंद्रमंडले। गुरु की करुणा की व्याख्या करने वाले इन महामंत्रों में साधना के गहरे रहस्य शामिल हैं। इन रहस्यों को साधकों के अंतःकरण में प्रेषित करते हुए शिव कहते हैं, गुरु के चरण कमल संसार के सभी दावा नलों का विनाश करने वाले हैं। साधकों को उन गुरु का ध्यान ब्रह्मरंध्र में करना चाहिए। यहां पर महत्वपूर्ण बात हल्के से इशारे में कह दी गई है कि जो गुरु की महिमा को वर्णन करने वाले सब मंत्र हैं, सूत्र हैं, वस्तुतः ये साधना के इशारे हैं। इनमें साधना के रहस्य, समझ के रहस्य छुपे हुए हैं, उनको बस समझना है, उद्घाटित करना है। किसी भी बात को अगर हम बिल्कुल शब्दशः देखते हैं तो उसका मूल अर्थ हम नहीं जान पाते, उसको हमें परत दर परत खोल कर देखना पड़ता है। और कोई भी बात हो उसको हमें खोलना ही पड़ता है परत दर परत, तभी हमारे काम की होती है। कोई प्रोडक्ट भी हम बाजार से लेकर आए, एक पैकिंग में आता है, पैकिंग करनी पड़ती है, कई कारणों से पैकिंग खोलनी पड़ती है, फिर उसको ठीक से और खोलना पड़ता है, तब जाके हम उसके जो मूल सामग्री है, जो कंटेंट है, वहां तक पहुंचते हैं। तो ऐसे ही जब साहित्य में, शास्त्रों में बहुत सारी बातें कही जाती हैं तो उनमें तरह तरह की पैकिंग करी जाती है। आज हम पैकिंग के जगत में हैं तो हम जानते हैं पैकिंग में हम क्या क्या नहीं उपयोग कर लेते हैं, कितनी व्यर्थ की चीजें, कितनी डेकोरेटिव चीजें, और फिर कंटेंट उसके भीतर। और कई बार जितना डेलिकेट कंटेंट हो उसकी पैकिंग और ज्यादा बड़ी करी जाती है। कभी ऑनलाइन ऑर्डर करके देखें, कोई टूटने वाला डेलिकेट सामान आप ऑर्डर करें तो उसका डिब्बा बहुत बड़ा आएगा, उसमें एयर बबल पैक्स होंगे, थर्मोकोल होगा और पता नहीं क्या क्या होगा, उसके बीच में कहीं सुरक्षित करके वो रखा गया होगा डिब्बा, डिब्बे के अंदर भी जब खोलेंगे तब वो कंटेंट मिलेगा। ठीक उसी तरह से जब कोई बहुत गहरी बात, बहुत संवेदनशील बात, बहुत समझने वाली बात शास्त्रों में, साहित्य में कही जाती है तो उसका डिब्बा बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो टूट सकती है, उसमें खराबी आ सकती है, तो उसकी पैकिंग को बड़े अच्छे से संभाल के करना पड़ता है। यही शास्त्रों की विशेषता है। तो शास्त्रों को देखते समय हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, कहाँ पर थर्मोकोल है, कहाँ पर एयर बबल स्ट्रिप्स हैं, क्या क्या है, कहाँ से हमको क्या निकालना है। कई बार क्या है, लोग कंटेंट को तो भूल ही जाते हैं, वो बाकी चीज़ों में अटक के रह जाते हैं, क्योंकि कई बार वो भी इतनी डेकोरेटिव अच्छी होती हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है आज के संदर्भ में। और सूत्र गुरु गीता का उधर ही बात कह रहा है कि इनमें साधना के गहरे रहस्य संजोए हुए हैं, उनके इशारे किए गए हैं। अब गुरु की जो महिमा है वो तो, यानी गुरु की यात्रा, गुरु तत्व, उसको तो हम देख ही रहे हैं हर जगह पर। और कहते हैं कि उनके चरण कमल संसार के सभी दावानलों का विनाश करने वाले। दावानल जैसे आग लगी हो चारों तरफ संसार में, ऐसा ही हमारा जीवन है कि दुखों की आग हर तरफ लगी है। गुरु के चरण उसे नष्ट करेंगे, उसका स्तमन करेंगे। गुरु के चरण वही समझ, अंडरस्टैंडिंग, हमारे भीतर के प्रेजेंस, वो उपस्थिति, ज्ञान का वो सिलसिला, सातत्य, कंटिन्यूटी, जितनी समझ का स्तर हमारा, जितनी हमारी संवेदनशीलता का स्तर, जितना सत्य की ओर उठे हुए हमारे कदम, उतना ही हमारे जीवन में दुखों का विनाश, उनका शमन। समझ हमारी बिल्कुल ही स्थिर हो जाए, गहरी हो जाए, तो संसार के उतार चढ़ाव अपनी जगह, हम उनसे किसी भी तरह दुखी नहीं होते। तो दुख मुक्ति वही है जब समझ स्थिर हो जाए, बोध स्थिर हो जाए। अब सूत्र कहता है कि साधकों को उन
गुरु का ध्यान ब्रह्मरंध्र में करना चाहिए। ब्रह्मरंध्र योग और तंत्र की अपनी एक सोच है, उनका अपना एक कॉन्सेप्ट है, उनकी अवधारणा है। फिर यहाँ पर यही बात हम कहेंगे कि कुछ चीजें हमेशा अवधारणा में ही रहेंगी, उनको वैसे ही देखना होगा, उनको बिल्कुल सत्य की तरह अगर हम तलाशेंगे तो चूक हो जाएगी। सिर के ऊपर एक बिंदु की कल्पना योग भी करता है, तंत्र भी करता है। जो मानता है कि इड़ा पिंगला सुषुम्ना आदि जो नाड़ियां हैं वो आकर उस बिंदु पर मिलती हैं, वहीं पर हम सहस्रदल कमल की भी परिकल्पना करते हैं और हम ये देख मानते हैं कि वहीं से ब्रह्म की तरफ प्रयाण होता है, यानी कि हमारे जीवन में जो परम विस्तार है वो वहीं से अवतरित होता है। चूंकि हम एक शिखर की तरफ जाने की हमेशा कोशिश कर रहे थे और हमको हमेशा यही लगा कि वो शिखर की ही यात्रा होगी, तो हमने अपने शरीर में भी एक शिखर बिंदु, एक पीक पॉइंट इमेजिन किया, उसकी कल्पना की। कई लोग ढूंढते रह जाते हैं कहाँ ब्रह्मरंध्र है, नहीं मिलता। उनको लगता है कि अच्छा कि कोई तो कहता है लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता। इड़ा पिंगला सुषुम्ना भी लोग ढूंढते रहते हैं। मूल बात है हमारे भीतर के बहुत सारे जो ढंग हैं, ढांचे हैं, उनको अलग अलग शब्दों में कहने का प्रयास किया गया है। अब अगर हम अपने तीनों गुणों की बात करें, सत्व रजस तमस, और इन तीन नाड़ियों की बात करें, तो तीन तीन में हमने बहुत सारी चीजों को डिवाइड किया। मूल रूप में हमारे अंदर तीन गतियां हैं, तीन गुण, और ये बड़ी गहरी सोच थी। जब लोगों ने इसको रखा, ऋषियों ने, तो उनकी समझ की हमें प्रशंसा करनी होगी, इतनी गहराई से बातों को उन्होंने रखा। लेकिन जब शिखर की ब्रह्मरंध्र की बात करेंगे तो ये है किसी भी समझ का एक पीक हमारे सिर में ही वो मिलेगा, ऐसा नहीं। सूत्र कहता है कि गुरु का ध्यान उस ब्रह्मरंध्र में करना चाहिए। तो लोग सिर के ऊपर ध्यान लगा के बैठ जाएंगे क्या? गुरु हमारे सिर पे ही मिलेगा। सिर पे उन्होंने इसलिए कह दिया होगा क्योंकि हम बातों को समझ रहे हैं, और ये पहले भी समझिए, प्राचीन समय में भी इतना तो स्पष्ट हो ही चुका था कि मस्तिष्क है और ये हमारे समझने का यंत्र है, हम चीजों को यहीं से समझ रहे हैं। आज विज्ञान में हम सारी चीजें जानते हैं कि मस्तिष्क की कैसी कैसी प्रक्रियाएं संचालित हैं, हमारी स्मृति समझ सब कैसे वहीं से संचालित होती है। तो इसलिए मस्तिष्क और ये सिर बहुत महत्वपूर्ण हो गया लोगों के लिए। लेकिन समझ का कोई भी बिंदु नहीं है, समझ एक व्यापक घटना है। ब्रह्मरंध्र वो छिद्र है, रंध्र छिद्र होता है, वो द्वार है, वो होल है, जहां से भी हमको उस परम विस्तार की तरफ जाने की आहट मिलती है। जहां पर भी हमें हमारे जीवन की तीनों धाराएं मिलती हुई लगती हैं। बाहर के तल पर देखें, भारत में से संगम का बहुत महत्व हो गया, गंगा जमुना सरस्वती मिल गई। गंगा जमुना दिखती, सरस्वती नहीं दिखती। इड़ा पिंगला सुषुम्ना में भी वही बात है। और भारत में इसीलिए तंत्र और योग में हमने त्रिकोण का वर्णन किया, ट्रायंगल। जितने भी तांत्रिक साहित्य और मंदिर होंगे उसमें वो ट्रायंगल जरूर बना होगा। त्रिकोण किस बात का प्रतीक होता है? दो दिशाएं हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, तीसरा उसका जो शिखर है वर्टिकल जर्नी। जब द्वैत को समझकर, देखकर हम ऊर्ध्वगामी यात्रा करते हैं, वर्टिकल जर्नी करते हैं, और वहां पर हम द्वैत से परे जाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। वो ब्रह्मरंध्र खुला है, यानी कि जब भी कभी कोई द्वैत को समझने लगता है तो एक ओपनिंग होती है उसके भीतर, जहां से वो अद्वैत को समझेगा, उस नॉन डुअल को, उस इंटीग्रल फ्लो को, अखंडित प्रवाह को वो समझ पाएगा। अभी वो केवल एक ओपनिंग की तरह, रंध्र की तरह है। तो ब्रह्मरंध्र सिर में नहीं है, ब्रह्मरंध्र हमारी समझ में, अंडरस्टैंडिंग में। ब्रह्मरंध्र जहां पर जीवन की क्षैतिज यात्रा को जानकर, द्वैत की यात्रा को जानकर
हम ऊर्ध्वगामी यात्रा में, और ट्रायंगल में भी इसीलिए उसको हमने ऊपर दिखाया ऊर्ध्वगामी। तो अगर कोई व्यक्ति ध्यान में सिद्धासन पद्मासन में बैठता है तो वो भी ट्रायंगल ही बन जाता है, त्रिकोण ही बन जाता है। अगर एक किसी बुद्ध की प्रतिमा ही देखे जो बैठी है, या कोई भी व्यक्ति अगर सिद्धासन या पद्मासन में बैठे और हम ऐसे उसका एक आकार बनाए तो एक त्रिकोण बन जाता है। उस त्रिकोण में जो तीसरा बिंदु है उसी को ब्रह्मरंध्र कह दिया। तीसरा बिंदु हमेशा ट्रांसेंडेंटल अंडरस्टैंडिंग है कि अब हम सब समझने लगे हैं ये सीमाओं का जगत, अब हम सारे भ्रमों का जगत समझने लगे और हमारी एक वर्टिकल जर्नी हो गई है, वहां पर एक ओपनिंग हो रही है जहां से हम उस परम सत्य की यात्रा में और गहरे चले जाएंगे। सूत्र कहता वहीं पर गुरु का ध्यान करना चाहिए, अर्थात जब भी हम किसी भी तरह की वर्टिकल अंडरस्टैंडिंग में हो, ऊर्ध्वगामी समझ में हो, तो अपनी उस यात्रा को और स्मरण करना चाहिए जिससे वो और प्रखर हो जाएगी और तीव्र हो जाएगी। वो स्मरण हमको और गति देगा, सारा का सारा समझ का हमारा जो धरातल था, अंडरस्टैंडिंग का हमारा सारा एक्सपेंशन था, उसको हम इकट्ठा करके उसके एसेंस को उस ओपनिंग में ले आते हैं ब्रह्मरंध्र। क्योंकि अब ये बहुत जरूरी हो गया है कि अगर वो ओपनिंग हुई है तो वहां पर हम अपनी सारी समझ को केंद्रित कर दें, फोकस्ड कर दें, ताकि वो ओपनिंग व्यापक हो जाए, वहां से हमारा आगे जाना संभव हो जाए। तो इस तरह से इस बात को समझेंगे, इस ब्रह्मरंध्र को समझेंगे, उसको अपने सिर के ऊपर ढूंढते हुए नहीं बैठेंगे। वो वर्टिकल जर्नी ऊर्ध्वगामी यात्रा का बिंदु है, वहीं पर वो जहां कहीं हमारे जीवन में उपलब्ध होता है, ये गुरु की यात्रा प्रारंभ होती है। Thank you.